जो ये कानून लागू हुआ है, ऑब्वियसली हम सभी कश्मीरी लड़कियां जिन्होंने इंटरकास्ट मैरिज करी इसे अप्रिशिएट करते हैं। हम गवर्नमेंट को थैंक यू करते हैं क्योंकि इससे हमें वहां से बॉयकॉट जो हम फील करते थे हो गए, वैसे नहीं हुए हैं। हाँ, ससुराल पक्ष का हक अब पूरा मिलेगा, एटलीस्ट ससुराल ने इन्वाइट किया अब दामादों को। अब जाके अभी तक तो इंटरकास्ट दामादों का इन्विटेशन बंद हो गया था वहाँ पे। अब हिंदुस्तान का कल्चर है दामाद का स्वागत करना, अब जेएनके ने दामादों का स्वागत किया, ऑब्वियसली अच्छा है। जहाँ एक तरफ पहले जम्मू कश्मीर में 370 धारा हटा दी गई थी, अब जो है वो डोमोसाइल में जिस तरीके से बदलाव किए गए हैं, तो अब इस नए कानून के तहत जो वहाँ के दामाद हैं यानी कि जो वहाँ की बेटियाँ थी जम्मू कश्मीर की, अब उनके पतियों को भी जो है वो पूरे तरीके से हक मिलेगा। और इसके बावजूद कहीं ना कहीं क्या कुछ कहना है, हमारे साथ खुद एक जम्मू कश्मीर से रहने वाली महिला हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। बिंदिया भट्ट जी नाम इनका, कि किस तरीके से ये इस कानून को देखते हैं और कितना फ़ायदा इन लोगों को मिलेगा। बिंदिया जी, अब जो कानून नया बदला हुआ है, डोमोसाइल में बदला हुए हैं, उसको किस तरीके से देखते हैं, कितना फ़ायदा आप लोगों को और आपके परिवार को मिलेगा? मैं जो ये कानून लागू हुआ है, ऑब्वियसली हम सभी कश्मीरी लड़कियां जिन्होंने इंटरकास्ट मैरिज करी इसे अप्रिशिएट करते हैं। हम गवर्नमेंट को थैंक यू करते हैं क्योंकि इससे हमें वहां से बॉयकॉट जो हम फील करते थे हो गए, वैसे नहीं हुए हैं। जैसे पूरा भारत एक समान है, तो उसी तरह अगर वो स्टेट भी भारत का ही पार्ट है तो आप वहाँ पर सेम चीज़ रखें। जिस तरह पंजाब, हरियाणा एक्सेट्रा, इतने सारी स्टेट्स हैं, सबके पास चॉइस है डोमिसाइल का। हमें भी चॉइस चाहिए था डोमिसाइल का, वो मेरा चॉइस है। मैं आज हरियाणा में रहती हूँ, पोस्ट मैरिज मैं यहाँ का डोमिसाइल लूँ या मैं कश्मीर का लूँ, तो वो जो चॉइस इन्होंने हमसे ले लिया था वो चॉइस अब हमें है। सेकेंडली, कल को मैं भी अपने स्टेट अगर जाना चाहती हूँ, अगर मेरे बच्चे को कल को वहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती है, मुझे मिलती है, मैं भी वहाँ प्रॉपर्टी परचेज़ करके रह सकती हूँ, मेरे हस्बैंड वहाँ रह सकते हैं, हम लोग भी वहाँ पे अपना फ्यूचर आगे देख सकते हैं। अब जिस तरह सारा हिंदुस्तान ग्रो कर रहा है, ऑब्वियसली जेएनके भी ग्रो कर रहा है और आगे फ्यूचर वहाँ होगा, तो ऑब्वियसली हम लोग भी शिफ्ट होना चाहेंगे और इस बेनिफिट के साथ हम वहाँ पे अपनी जगह लेके रह सकते हैं। तो बिल्कुल जी, देखिए लगातार मैं देख रहा हूँ कि मेरे ख्याल से बहुत पहले यहाँ पे जो कश्मीरी पंडित लोग हैं वो यहाँ पे आके बस गए थे, और अब एकाएक इस तरीके के कानून आना तो एक बहुत बड़ी कह सकते उद्योग लगा सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, सरकारी नौकरियों में आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा। तो अब क्या प्लानिंग रहेगी कि आगे वापस मूव करेंगे वहाँ पे या यहीं पे ही जो सेट हो चुके हैं यहीं पे रहेंगे आप? क्योंकि टाइम इतना हो चुका है, कश्मीरी पंडित अब बहुत हद तक इधर उधर जो बिखर गए थे, ऑब्वियसली बिखरे ही थे क्योंकि किसी के पास उस समय ऑप्शन नहीं था। जिसको जहाँ पे जिसका लाइवलीहुड, जिसको जहाँ पे खाना के इजीली मिला, रहने के लिए सबको पॉसिबिलिटी लगी, यहीं पे हम लोग ग्रो कर सकते हैं, सबने वहाँ किया। आज सबके बच्चे पढ़ लिख के पूरे इंडिया में इधर उधर हैं। तो अब थोड़ा ऑब्वियसली टफ है क्योंकि बच्चों को इतना गैप हो गया। अब अगर मैं बात करूं अपनी, मैं 90s में यहाँ आई थी, मैं तब पैदा हुई थी, मैंने आज तक कश्मीर नहीं देखा। जब भी सोचते हैं जाने का, तब तक कुछ ना कुछ बात ऐसी होती है, फिर रह जाता है। होपफुली आगे जेएनके भी ग्रो करेगा, इन लॉज के साथ सबके लिए ईजी रहेगा। हो सकता है मेरा बच्चा कल को वहाँ पढ़ने जाएगा तो ऑब्वियसली मैं इसके साथ वहाँ शिफ्ट होना चाहूँगी। हो सकता है मेरा बच्चा कल वहीं जॉब करेगा, तो इसके साथ ऑब्वियसली हम सबके लिए बेटर है। तो हम शिफ्ट क्यों नहीं होंगे अगर बच्चे को वहाँ पे कंफर्ट होगा या बच्चे को वहाँ कॉलेज मिलेगा, तो मैं ऑब्वियसली वहाँ शिफ्ट हो जाऊँगी। पति की बात करी जाए तो पति कितने खुश हैं क्योंकि अब वो एक तरीके से दामाद को जो पूरा हक मिलना चाहिए था अपने ससुराल पक्ष का, तो पूरा मिलेगा। हाँ, ससुराल पक्ष का हक अब पूरा मिलेगा, एटलीस्ट ससुराल ने इन्वाइट किया अब दामादों को। अब जाके अभी तक तो इंटरकास्ट दामादों का इन्विटेशन बंद हो गया था वहाँ पे। अब हिंदुस्तान का कल्चर है दामाद का स्वागत करना, अब जेएनके ने दामादों का स्वागत किया, ऑब्वियसली अच्छा है। तो ये बिंदिया जी हैं जो कि मूल रूप से जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं, और इनके जिस तरीके से अब डोमोसाइल के अंदर बदलाव हुआ है, तो कहीं ना कहीं पूरे परिवार के अंदर खुशी की लहर है, जिसके चलते इन लोगों को अभी उम्मीद है कि इनके बच्चे वहाँ पे जा सकते हैं, इनको वो जो हक बेटियों को मिलना चाहिए था या इनके पति को मिलना चाहिए था, अब वो हक सरकार ने इन लोगों को वापस दे दिया है, जिसके चलते पूरे परिवार में खुशी की लहर है। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।